हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ एक बार फिर आपका हमारे चैनल बोल फटाफट में। तो दोस्तों, उमर रियाज एक बार फिर आ गए हैं नॉमिनेशन में। जी हाँ, अब आप सोच रहेंगे कि उमर रियाज तो बिग बॉस के घर में है ही नहीं, तो फिर उमर रियाज नॉमिनेशन में कैसे? तो आपको बता दूं दोस्तों, ये कोई बिग बॉस का नॉमिनेशन है नहीं, ये है नॉमिनेशन टैली रिश्ते अवार्ड का। जी हाँ दोस्तों, टैली रिश्ते अवार्ड में जो है उमर रियाज का नाम आया है नॉन फिक्शन पर्सनैलिटी के लिए मेल कंटेस्टेंट में। 2001 नॉन फिक्शन पर्सनैलिटी के लिए जो है उमर रियाज का जो है नॉमिनेशन में नाम आया है। और उमर रियाज के साथ साथ बिग बॉस की दो और मेल पर्सनैलिटी करण कुंद्रा और प्रतीक सहजपाल का भी नाम जो है इस अवार्ड के लिए आ रहा है। तो ऐसे में अगर आप अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को जो है वोट करना चाहते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि भाई टैली रिश्ते अवार्ड में जो है नॉन फिक्शन पर्सनैलिटी का उनको अवार्ड मिले, तो आप जो है टैली रिश्ते की इंस्टाग्राम आईडी पर जाइए, वहां पर आपको जो है ऑप्शंस मिलेंगे और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए। अगर आप करण कुंद्रा को जिताना चाहते हैं तो हैशटैग करण कुंद्रा, उमर रियाज को जिताना चाहते हैं तो हैशटैग उमर रियाज, और अगर आप प्रतीक सहजपाल को जिताना चाहते हैं तो हैशटैग प्रतीक सहजपाल करके आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो गाइस, जैसे जैसे मेरे पास अपडेट आते रहेंगे बिग बॉस से रिलेटेड सारे कंटेस्टेंट के, या फिर बॉलीवुड से रिलेटेड कोई भी धमाकेदार न्यूज मेरे पास आती है तो वो मैं आपको अपने चैनल बोल फटाफट पर दूंगी। सो गाइस, प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और फटाफट से उमर रियाज को जिताने के लिए नॉन फिक्शन पर्सनालिटी के लिए जो है टैली रिश्ते की इंस्टाग्राम आईडी पर जाइए, और वहां पर फटाफट से कमेंट बॉक्स में जो है हैशटैग उमर रियाज लिख कर आइए। मैंने तो लिख दिया, अब आपका काम बाकी है, जाइए और फटाफट से काम पूरा कीजिए।